स्वागत, अभिनंदन और वंदन, और आपकी तालियों के प्रणाम उनके चरणों तक पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। हमारी हृदय की भावनाओं को साकार रूप देने के लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ रामलला की मूर्ति, बाल राम लला की मूर्ति जो धनुष बाण के साथ है, उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगुपानी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेल यात्रा सुलभ और सुखद होनी चाहिए। मंच पर आसीन है माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों, श्री राम श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17000 करोड़ रुपए। और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक एक प्रोजेक्ट को फॉलोअप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। ये नई अयोध्या है जो विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें।
मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है, वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था, वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है और उसी के तारतम्य में उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर लाना है जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है तो दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे, चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्वीप द्वीप पुनः ज्वलित होगी और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत की आत्मा की ज्वाला है उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा उसी के साथ भारत की कला भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पटचित्र हो या हमारी बिहार की मधुबनी की हो या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए, 3,750 मीटर का रनवे बनेगा, देश नहीं विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है वही 5,00,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है वही इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो दो विमान देश की राजधानी राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया
प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन को मिशन के रूप में अपनाकर उत्तर प्रदेश को सुरक्षा, सुशासन और विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी सोहई ए भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है।
रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और दो नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम सब आभारी हैं। क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं, उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है, और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है 15,700 करोड़ की केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की, जो नई अयोध्या की नए स्वरूप को साकार करेंगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। केंद्र और राज्य सरकार की अयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज
पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है
तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फितो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद
यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60 हजार लोग आ जा सकेंगे। साथियों, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का, मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज से यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरयू जी में गिरने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए भी
काम शुरू हुआ है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है। सरयू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है। यहां के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक हो या राम कथा स्थल, ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहां के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजमान विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को जोड़ने में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी। आज देश के 34 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। काशी, वैष्णो देवी के लिए कटरा, उज्जैन, पुष्कर, तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को वंदे भारत जोड़ रही है। इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। आज
अयोध्या धाम जंक्शन, आनंद विहार, वंदे भारत शुरू की गई है। इसके अलावा आज कटरा से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु, मंगलुरु मड़गांव, जालना मुंबई, इन शहरों के बीच भी वंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। बहुत ही कम समय में वंदे भारत से 1.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है। साथियों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्राओं का अपना महत्व रहा है, अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बद्री विशाल से सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा, द्वारकाधीश से जगन्नाथपुरी की यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा, चार धामों की यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, शक्ति पीठों की यात्रा, पंढरपुर यात्रा, आज भी भारत के कोने कोने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है। लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं। तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं। शिवस्थल पाद यात्री रही, मुरुगनंकु कावड़ी यात्री रही, वैष्णव तिरुपति यात्री रही, अस्मन तिरुत्तल यात्री रही, केरला में सबरीमाला यात्रा हो, आंध्र तेलंगाना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो, नागोबा यात्रा, इनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में भगवान राम और उनके भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के धाम की भी यात्रा होती है। ये यात्रा नालम्बम यात्रा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा देश में कितनी ही परिक्रमाएं भी जारी रही है। गोवर्धन परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर भक्त का ईश्वर के प्रति जुड़ाव और मजबूत होता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर की यात्राएं होती हैं। राजगीर बिहार में बुद्ध अनुयायियों की परिक्रमा होती है। जैन धर्म में पावागढ़, समेत शिखर जी, पालीतना, कैलाश की यात्रा हो, सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा और गुरुधाम यात्रा हो, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट से परशुराम कुंड की विशाल यात्रा हो, इनमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जुड़ते हैं। देश भर में सदियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किए जाते हैं। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को
हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है।
मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले, लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे, यानी 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
पियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। आपका होना, आपका आना, आपका सानिध्य, आपका सामिप्य सदैव ऊर्जा देता है। आप हमारी उम्मीद हैं, हमारा आत्मविश्वास हैं, हमारा साहस हैं, हमारा बल हैं, और आप ही हमारे संकल्पों की सिद्धि की गारंटी भी हैं। जोरदार तालियों के साथ विदा दें माननीय प्रधानमंत्री जी को।